जो सारे मशरिक के शहर के रहने वाले हैं, हमें आप पे फख्र है, आप पूरे पाकिस्तान का सियासी काबा हैं। ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है और इस लाहौर ने बड़े सगीर की तारीख के रुख का धारा मोड़ा जब 23 मार्च 1940 को यहाँ पे चार तांगे आलम मुतहदे हिंदुस्तान से मुसलमानों ने हिंद लीडरशिप में यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज से 83 साल पहले जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सरकर्दगी में जब कायद मिल्लत खान लियाकत अली खान सरदार अब्दुल रब निस्तर और मुसलमानों ने हिंद के तमाम जुआमा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडरान यहाँ पे मौजूद थे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ लाहौरियों कि जिस तरह आप यहाँ पे सामने बैठे हैं, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक वर्कर था, जिन्ना का साथी था, यहाँ मौजूद था और मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्ला नियाजी साहब भी यही मौजूद थे, आपके दादा आपके पुरखे भी यहाँ पे आए होंगे। आज हमने अपने आबा अजदाद की उनकी रिवायत को जिंदा रखा कि जब 23 मार्च 1940 को हमारे बुजुर्ग यहां पे इकट्ठे हुए तो मेरे भाई और बहनों उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया और आज हम पाकिस्तान बचाने निकले थे। वो कायद आजम था, आज हम कायद पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ इस बात का अहद करते हैं कि जान तो जानी यानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शांत सलामत रहती है जिस तक से कोई मक्तल को गया। पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था, हम सबने यहां मिलके आज से 84-83 साल पहले एक ख्वाब देखा जो फिर 47 में रियलाइज हुआ और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लाहौरियों, मेरे पख्तून, मेरे पंजाबी और सिंधी और बलोची उर्दू स्पीकिंग जिनका पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हक है उर्दू स्पीकिंग लोगों का, क्योंकि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आए, आप मुझे दिल पे हाथ रखें और बताएं क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? क्या पाकिस्तान भीख मांगने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट के लिए बना था या एब्सोल्युटली यस के लिए बना था? यो पाकिस्तानी टेल मी, आर यू बेगर्स? नो, वी आर नॉट बेगर्स। मैं तो उस यहां पे फरूख बैठा है, फरूख हबीब, मैं तो उसके फैसलाबाद के उस सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब के मानने वाला हूं जिन्होंने आज से बहुत साल पहले पेशन गोई की थी कि दुनिया वालों सुन लो, जंगल में तिंग के चुनता एक मलंग एक दीवाना तुझे याद आएगा जो ये बात करता था कि पाकिस्तान की हार ना में दुनिया की हार ना होगी। तो आज अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो क्या जुर्म कर दिया? आज अगर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर स्टैंड लिया तो क्या जुर्म कर दिया? अगर खत्म नबूवत पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात कर दी तो क्या जुर्म कर दी? अगर अड्डे ना देने की बात कर दी तो क्या जुर्म कर दिया? ये तो आपके और मेरे शारे मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल जिनके फिक्री वारिस वलीद इकबाल आज हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात की थी। लाहौरियों भूल तो नहीं गए कायद का सबक? मुझे मर्दान और पेशावर में याद है, तुम्हें लाहौर में भूलो तो नहीं याद दिलाऊं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। हम सब ने यह हद करना है, हम सब ने यह फैसला करना है कि क्या आपके मेरे बच्चों ने गुलामी की जिंदगी बसर करनी है या इस सबसे लाली परचम को दुनिया का सबसे अजीम तरीन परचम बनाना है। आज फैसला आपके हाथ में है। इमरान खान ने तो ये मौका हमें दे दिया कि आज उन लोगों की औलाद को, ये बात गौर से सुने, जज्बाती नहीं, मैं बड़े गैर जज्बाती अंदाज में बड़े सोच और फिक्र के साथ ये बात आपको कर रहा हूं।
लाहौरियों, पाकिस्तानियों, इमरान खान ने ये मौका हमें दे दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया था उनके पोते नवासे नवासियों पोतियों को यहां इकट्ठा करके मौका दे दिया कि आज हम ये बात कर सकें कि इस मीनारे पाकिस्तान के साथ तरे कादी आजम के साथ हमारे दादा और नाना इकट्ठे थे। आपने आज फैसला करना है कि आज से बहुत साल बाद हमारे पोते और नवासे ये फख्र से बात कर सके कि जब पाकिस्तान बनाने की जंग का आगाज हुआ तो मीनारे पाकिस्तान के साथ तले दाता दरबार के आंगन में हम भी इमरान खान साहब के साथ और हमारे वालिद और हमारे दादा भी इमरान खान साहब के साथ थे। आप इस तरीक में इमरान खान के साथ हैं? बोलो। अफतारी सबने की है, मैंने सिर्फ चंद घूंट पानी और थोड़ा सा खाना खाया। मेरे हौसले जवान है, आपके जवान है, मेरे साथ दो तीन नारे लगाओगे क्योंकि मुझे फैसल जावेद के क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं बस करो, तैयार हो? इमरान खान साहब के साथ है ना? दोबारा पूछ रहा हूं तो फिर कुछ नारों का जवाब देना। यहां से ऐसी आवाज आए, यहां से ऐसी आवाज आए कि अभी जो कराची में हमने सैफ रहमान और आलमगीर स्टेज पे हैं असद भाई कि कराची कादी आजम को हमारी आवाज पहुंचे, नारे तकबीर। ये तो पेशावर तक नहीं पहुंचा, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज कमजोर है, जिंदा दिलानी लाहौर, आवाज कमजोर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान से रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर मेरी तरफ से सुन लो कि हबीब जालिब, आपने जो बात की थी वो इस कौम के लिए कम अज कम नहीं थी, वो इस कौम के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के लिए थी जो अग्यार के एक इशारे पे सर्व सजूद हो गए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान।